पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मर्डर के बाद शान से सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी लेने वाला गैंगस्टर लॉरेंस अब इतना डरा हुआ है कि दिल्ली हाई कोर्ट में सुरक्षा के लिए याचिका तक लगा दी। ऐसा पहली बार नहीं है। सोशल मीडिया पर अपने लाखों फॉलोअर्स के सामने झूठी बहादुरी दिखाने वाला लॉरेंस अब तक 6 बार एनकाउंटर के डर से कोर्ट में मुहर लगा चुका है। यह चर्चाएं सिर्फ लॉरेंस की ही नहीं है बल्कि हर एक गैंगस्टर की है। गैंगस्टर्स असल में कितने डरपोक होते हैं ये जानने के लिए आनंद पॉल और लॉरेंस जैसे खतरनाक अपराधियों को पकड़ने वाले पुलिस अफसरों से जाना तो इनका असली चेहरा सामने आया। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि ये खूंखार अपराधी कितने डरपोक हैं। आइए देखिए ये वीडियो। लॉरेंस बिश्नोई कभी जेल में हत्या का डर तो कभी गाड़ी में सीसीटीवी की मांग। सिद्धू मूसेवाला मर्डर की खुलेआम जिम्मेदारी लेने वाला लॉरेंस को पल पल अब मौत का डर सता रहा है। लॉरेंस के वकील ने आशंका जताई है कि पुलिस कस्टडी की मांग कर सकती है, लॉरेंस का एनकाउंटर कर सकती है। पपला गुर्जर 7 लाख का इनामी पपला डर के मारे छत से कूद गया। पपला गुर्जर पर मर्डर रेप फिरौती के हरियाणा और राजस्थान के करीब 2 दर्जन मामले दर्ज है। फेसबुक इंस्टा यूट्यूब पर पपला बड़ी शान से AK-47 जैसे वेपन के साथ फोटो अपलोड करता था। राजू फौजी पुलिस के सामने गिड़गिड़ाया, गोली मत मारना। 2 कांस्टेबल की हत्या करने वाला कुख्यात तस्कर राजू फौजी खुद के एनकाउंटर से डरता था। हर पल मरने और मारने की बात करने वाला ये राजू फौजी इतना डर गया कि हुलिया बदल कर मजदूरी करने लग गया। काला जठेड़ी बोला मेरे पैरों में जंजीरें बांध दो। लॉरेंस के साथ ही काला जठेड़ी और आनंद पाल के साथ ही रही लेडी डॉन अनुराधा के खिलाफ लूट किडनैपिंग फिरौती के कई मामले दर्ज हैं। दोनों व्यापारियों को धमका कर फिरौती मांगते थे लेकिन जब पुलिस इनके पीछे पड़ी तो नाम और हुलिया बदल कर दर दर भटकने को मजबूर हो गए।